दादाजी से नहीं, हमसे तो मिलने आ सकती थी। तुम दोनों तो मेरी शादी कर, मुझे लगा दाजी की तरह तुम लोग भी मुझसे मिला नहीं चाहते हो। हमें दादाजी ने मना कर दिया था। और तुम मान, तुम मना हो गए। हम उनके सामने नहीं बोल सकते थे। देखा, आप लोगों के मसाइल इतने बड़े नहीं है जितने बड़े वसवसे हैं। कि सब छोड़ छाड़ के आप लोग नई शुरुआत नहीं कर सकते। छोड़े एक दूसरे को नीचा देखा, इत्तेफाक से रहे, सब ठीक हो जाएगा। मैं इत्तेफाक करता हूँ इस इत्तेफाक वाली बात से? मैं बिल्कुल भी नहीं करता, जब तक ये अपने गुनाह नहीं मान लेते। और अगर ये गुनाह मान भी ले, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। पानी सर से गुजर चुका। ओ भाई बता देना, गुनाह क्या है मेरा? क्यों इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है? तो आप खुद ही बता दें। मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता, क्या बताऊं? ठीक है, तो फिर मान लेते हैं जो दाजी ने कहा है, कि हम लोग नाफरमान हैं, नालायक हैं, सिर्फ पैसों के लिए यहां पर। मैं मानता हूं अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं यहां बिल्कुल भी नहीं आता। दाजी ने जो तमाशा शुरू किया ना, उसे चलने दे। मुझसे कोई तवक्को ना रखें, मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। अगले 26 दिन तक यह सारी जायदाद लेके जाने का और कभी वापस आने का इरादा किया है। हम लोग कभी भी नॉर्मल फैमिली नहीं हो सकते। इसको क्या हो जाता है अलीगु? अब क्या होगा? क्या होगा? और कोई रास्ता बचा है? मुकाबला करेंगे। आपने देखा नहीं, आपका भाई अपनी हवास खो बैठा है। मैं तो कहती हूँ इसको किसी नफसियाती डॉक्टर को दिखा दे। वो बचपन से ही ऐसा है। अगर उसने कहा है ना कि वो मुकाबला डट के करेगा, तो वो मुकाबला डट के करेगा। उसको हल्का लेना हम सबकी बहुत बड़ी भूल होगी। और तुम लोग तो करोड़पति बन गए हो। एक मैं हूं जो आज भी एक कमरे के मकान में ना अपनी जवान बेटी के साथ रहती हूं। मैं तो इस कार से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं भी मुकाबला डट के करूंगी। पड़ गई ठंड। अब बता, मेरा साथ देगी या अल्लाह के नाम पे सब कुछ दे देगी? तौबा है। चल अब आजा।